अमित शाह ने कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान से शहीदों का अपमान हुआ। बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई से जुड़े इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान से शहीदों का अपमान हुआ है। साथ ही उन्होंने पित्रोदा के बयान को शर्मनाक बताया। शाह ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना ठीक बात नहीं है। पूर्णिया में राहुल बोले, मैं बीजेपी आरएसएस और पीएम से नहीं डरता, सिर्फ सच्चाई को मानता हूं। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी आरएसएस और पीएम से नहीं डरता, सिर्फ सच्चाई को मानता हूं। राम मनोहर लोहिया का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेसवाद का विरोध डॉक्टर लोहिया के हृदय में रचा बसा था, लेकिन डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताने वाले दलों ने उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है और उसी कांग्रेस के साथ तथा कथित लोहियावादी पार्टियां अवसरवादी महामिलावटी गठबंधन बनाने के लिए बेचैन है। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पाकिस्तान को लिखना बंद करे लव लेटर। कांग्रेस ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामनाएं भेजे जाने से जुड़ी खबरों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि मोदी जी को ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। बीजेपी पर भड़के केजरीवाल, हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में होली के दिन एक मुस्लिम परिवार की बदमाशों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उनकी तुलना हिटलर से कर डाली। विवाद के बाद सैम पित्रोदा ने दी सफाई, कहा पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने बोला झूठ। बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई से जुड़े अपने एक बयान को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने झूठ बोला। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया के जरिए झूठ और गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। बिहार एनडीए में हुआ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, शत्रुघ्न का कटा टिकट। लोकसभा चुनावों के तहत बिहार एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार में भाजपा, जदयू और लोजपा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट गया है, उनके जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। विजय माल्या की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने संपत्तियां कुर्क करने का दिया आदेश। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्लंघन के संबंधित एक मामले में माल्या की बेंगलुरु में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। जस्टिस पिनाकी घोष बने भारत के पहले लोकपाल, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ दिलाई। भोपाल से दिग्विजय सिंह होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस चुनाव समिति ने दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल के लिए तय किया है।